आपको सैंपल की रूप से दिखा रहा हूँ कि ये जो पर्दा मैं अभी तक दिया नहीं है, और ये जो आप जैसे देख पा रहे हो कि इधर में भी चिक्स नहीं है और उस साइड पे भी चिक्स नहीं है, मतलब जो स्पेस उसको रिक्वायरमेंट था वो एक्चुअली वो एब्जॉर्ब नहीं किया है। वो टोटल जो चिक्स है वो मिडिल वाला पोर्शन में बैठ के रह गया है। और अभी मैं पर्दा को गिरा के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये काम। और दोस्त अभी आप देख पा रहे हो कि टोटल जो चिक्स है वो फैल के बैठ गया है। एक्चुअली मेरा जो जूट का पर्दा है उसको मैं गिरा दिया। एक्चुअली जूट का पर्दा गिराने से क्या हो जाता है, जो थोड़ा बहुत छाव मिलता है उसी में वो चिक्स टोटल फैल के बैठता है। और इस तरह से आपको मैनेजमेंट करना चाहिए। गर्मी के टाइम में एक ही प्रॉब्लम जो हम सभी के साथ आता है वो है टेम्परेचर, किस तरह से आप फार्म के अंदर मेंटेन कर पाए। अगर आप सही से टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाओगे तो हीट स्ट्रोक का मोर्टेलिटी जो है वो आपको बहुत हद तक देखने के लिए मिलेगा। और बहुत सारे फार्मर्स ऐसा करता है, फैन जो ऑन करके जाता है, मतलब दिन के एक बार वो फैन 10-10:30 बजे तक सुबह में ऑन करके जाता है, उसको वैसे ही छोड़ देता है। ऐसा नहीं करना है दोस्त, फैन को आपको डेफिनेटली 45 मिनट या तो फिर एक घंटा बाद आपको ऑफ करके ऑन करना है। मतलब आप ऑफ कीजिए तो 15 मिनट या तो फिर 20 मिनट छोड़ के उसको फिर से ऑन कर देना है, जाके चिक्स जो है वो थोड़ा सा फैल जाए। और इस तरह से आपको करना है। और दोस्त हीट स्ट्रोक का जो मोर्टेलिटी है वो आपको दिखने के लिए मिलेगा शाम के टाइम में, मतलब जो हीट वो एब्जॉर्ब करता है दोपहर के टाइम में, और जैसे जैसे शाम होता है उसका शरीर का जो टेम्परेचर है वो कमने लगता है, तो उस टाइम पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि हीट स्ट्रोक का मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा करके हो रहा है। और दोस्त इस तरह से स्पेस अगर वो एब्जॉर्ब करके रहेगा, एक एक करके चीक्स फैल के बैठेगा, तो उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एक दूसरे को नहीं मिलेगा। जूट का पर्दा साइड में लगाना चाहिए जाके थोड़ा सा छाव मिले, बारीक छेद है, मतलब ऐसा नहीं कि वेंटिलेशन प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो जाएगा आपका। वेंटिलेशन बोलिए तो फार्म के अंदर थोड़ा सा फ्रेश हवा नहीं आएगा, ऐसा नहीं, इसमें बारीक छेद है जो हवा बाहर पे देगा तो उसका लगभग 70% हवा अंदर में घुसेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमें अगर हवा देगा तो वो 100% ही घुसेगा, लेकिन 70% तक हवा जो बाहर पे देगा तो वो अंदर पे घुस सकता है। तो इस तरह से करना है। और दोस्त इस तरह से अगर फैल के बैठेगा तो एक भी चिक्स को आपको मोर्टेलिटी देखने के लिए नहीं मिलेगा। और फैन जो है उसको एक घंटा या तो फिर 45 मिनट बाद उसको ऑफ करके ऑन करना है। दोस्त आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जाके हर पोल्ट्री फार्म भाई को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। धन्यवाद।